बिहार में चिराग पासवान को 5 सीटें मिलने के बाद चाचा पशुपति पारस ने नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी ओर झारखंड से बीजेपी ने सोरेन परिवार के अहम सदस्य को अपने साथ मिलाकर जेएमएम को बड़ा झटका दे दिया। और ऐसी ही तैयारी महाराष्ट्र में भी दिख रही है, क्योंकि अमित शाह और राज ठाकरे की दिल्ली में मुलाकात हुई है और ठाकरे काफी समय के बाद दिल्ली आए हैं, और लेकिन देखते हैं कि अब वो दिल्ली से लेकर क्या जाते हैं। और अगर वो गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, यानी कि एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, तो उद्धव ठाकरे के लिए इससे क्या संदेश निकलता है। देखिए, केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता पशुपति पारस ने एनडीए में कोई सीट न मिलने पर रिजाइन कर दिया। वहीं दूसरी खबर रांची से आई है। सोरेन परिवार में भी कलह अब चरम पर पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और अब भाजपा ज्वाइन कर ली है। और ऐसे ही पारिवारिक कलह महाराष्ट्र में भी दिख रही है, जो उद्धव ठाकरे को परेशान करने वाली है। अब मुद्दा यह है कि क्या बीजेपी को इस पारिवारिक कलह का फायदा होने जा रहा है, या फिर बीजेपी ने इसके लिए कोई अलग रणनीति, अलग सोच बनाई है। सवाल यह है कि जिस तरह बीजेपी ने पशुपति पारस से पल्ला झाड़ा है, वो आखिर कितना सही है। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को यह दांव उल्टा पड़ जाए। देखिए, चाचा भतीजे के झगड़े में नुकसान तो लोजपा के दोनों गुटों को होने वाला है। रामविलास पासवान पशुपति पारस को हमेशा साथ बनाए रखते थे, वो खुद केंद्र की राजनीति में ज्यादा समय देते थे और पशुपति पारस को अपने गृह क्षेत्र से लड़वाकर राज्य की राजनीति पर भी पकड़ बनाए रखते थे। साल 2000 में जब नीतीश 7 दिन के लिए सीएम बने थे, तब उनके साथ सुशील मोदी और पशुपति पारस ही मंत्री बने थे। मतलब रामविलास के सियासी वारिस तब पारस ही थे। 2017 में भी जब नीतीश आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी के साथ आए, तो पारस फिर नीतीश सरकार में मंत्री बने थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद जब चिराग ने विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर नीतीश के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई, तो पारस नाराज हो गए थे। देखिए, ये बात तो जाहिर है कि चाचा भतीजा अगर एक साथ रहते तो ज्यादा मजबूत होते। दोनों की आपसी लड़ाई का नुकसान लोजपा को भी हो सकता है। अगर पशुपति पारस महागठबंधन की ओर से हाजीपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ जाते हैं, तो चिराग के लिए मुश्किल भी हो सकती है। वहीं सोरेन परिवार की कलह से बीजेपी को आखिर क्या फायदा हो सकता है। देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू और भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी विधायक सीता सोरेन भी अपने परिवार से नाराज हैं। सीता सोरेन ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी का दामन भी थाम लिया। सीता की नाराजगी उस समय से है जब सोरेन परिवार का उत्तराधिकारी उन्हें न बनाकर हेमंत सोरेन को बना दिया गया था। इसके लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल परिवार के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी सीता सोरेन के पति दुर्गा सोरेन थे। दुर्गा अपने पिता के साथ झारखंड आंदोलन में लगातार जुड़े रहे। बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी जान चली गई। उसके बाद सीता सोरेन ने राज्य की राजनीति में कदम रखा। हेमंत सोरेन राजनीति में नहीं आना चाहते थे, ऐसा कहा जाता रहा है। सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को सीएम बनाने का भी विरोध किया था। तब किसी तरह उन्हें मना लिया गया था। जाहिर है कि अब वो एनडीए के साथ चली गई हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नुकसान होना तय है और फायदा यहां पर सिर्फ बीजेपी का दिख रहा है। वही बात महाराष्ट्र की करें तो अगर राज ठाकरे और बीजेपी की बात बन जाती है तो क्या होगा। देखिए, महाराष्ट्र में बालासाहेब ठाकरे परिवार और शरद पवार के परिवार में कलह का फायदा भी बीजेपी ही उठा रही है। एनसीपी तो पारिवारिक कलह के चलते पहले ही बढ़ चुकी है। शिवसेना में राज ठाकरे ने बहुत पहले ही अपनी राह अलग पकड़ ली थी, अलग पार्टी बना ली थी। अब एनसीपी भी परिवार के विवाद में बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है, मतलब इतनी टूट हो चुकी है। और शिवसेना की आपसी लड़ाई का फायदा बीजेपी ने पहले ही उठाया है। आज भी अगर राज ठाकरे एनडीए में आ जाते हैं, तो शिवसेना के खास सीटों पर उनके कैंडिडेट्स को लड़ाया जा सकता है, जो उद्धव ठाकरे के लिए सिरदर्द हो सकता है। यहाँ बड़ी बात यह है कि 400 पार का नारा सही करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके लिए वो छोटे बड़े सबको अपने साथ जोड़कर विरोधियों को अलग संदेश भी दे रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।